इस लेक्चर में अरसा के बारे में डिस्कस करेंगे अरसा का मतलब है अराकन रोहिंग्या सालवेसन आर्मी रिसेंटली देखो इसलिए न्यूज में है हमारी जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी है यानी कि जो हमारे इंडिया के बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है पुलिस या फिर हमारी जो मिलिट्री होती है पैरामिलिट्री उसने रिपोर्ट किया है कि जो अरसा के कुछ लोग हैं आर्मी हैं आर्कन रोहिंग्या सालवेसन आर्मी वो हमारी कंट्री में आ गए हैं रिफ्यूज ले लिया है उन्होंने और ले सकते हैं आगे मतलब शरणार्थी बन के आ सकते हैं यहाँ पे तो ये अरसा है क्या देखो अरसा को फॉर्मली नाम से जानते हैं हर का अल याकिन या फिर फेथ मूवमेंट भी बोलते हैं मतलब आस्था आंदोलन करंटली देखो ये म्यांमार और बांग्लादेश में एक्टिव है मतलब जो रोहिंग्या रेजिडेंट्स हैं जो म्यांमार में रहते हैं कुछ और कुछ बांग्लादेश में उनके बीच में ये रहती है क्या काम करती है देखो जो रोहिंग्या पॉपुलेशन है रोहिंग्या पॉपुलेशन ये म्यांमार में रहती है और म्यांमार से ये कुछ साल पहले ये भाग के आ गई थी कहाँ पर बांग्लादेश में क्योंकि देखो जो बांग्लादेश है बांग्लादेश के साइड में और इंडिया के साइड में ये म्यांमार लगता है और म्यांमार के जो ये बॉर्डर लगाता है इंडिया से ये वाला जो स्टेट है ये रखीने स्टेट है इस नाम का यहाँ पे बांग्लादेश का और रखीने स्टेट में इनकी पॉपुलेशन रहती थी रोहिंग्या की रोहिंग्या देखो मोस्टली मुस्लिम पीपल हैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं और यहाँ म्यन्मार में, में रहते हैं बुद्धिस्ट पीपल ये बुद्धिज़्म को मानते हैं ज़्यादा पॉपुलेशन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बुद्धिज़्म की है तो इनमें मुस्लिम और बुद्धिज्म में आपस में क्लैश हो गया लड़ाई हो गई इनको भगा दिया यहाँ से कह दिया आप यहाँ म्यांमार के हो नहीं यहाँ से जाओ अब ये कहाँ जाते भाई साहब स्टेटलेस पीपल हो गए यानी कि इनके पास किसी स्टेट की सिटीजनशिप ही नहीं है स्टेट का मतलब देश किसी देश की नागरिकता ही नहीं है कुछ लोग आगे बांग्लादेश में और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे म्यंमार यहाँ पे अपने इंडिया में घुसने की तो इसलिए अभी ये आई इस रिपोर्ट आई जो हमारी आर्मी ने रिपोर्ट दी मतलब सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी फोर्स है जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स तो ये जो रोहिंग्या पीपल हैं ये क्या हैं इनको किसी भी गवर्नमेंट ने यानी कि म्यांमार ने भी जो म्यांमार में ही रहते थे काफ़ी सालों से ये लोग म्यांमार ने भी इनको सिटीजनशिप देने से मना कर दिया अपने लोग मानने से इनकार कर दिया तो जो ये अरसा है अरसा जो इनकी आर्मी है अरसा जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं ये जो है आपकी अराकन रोहिंगा सालवेशन आर्मी ये इनके राइट के लिए अधिकारों के लिए लड़ती है अधिकारों की डिमांड करती है रोहिंग्या पॉपुलेशन के लिए इस्यू क्या है देखो यूनाइटेड नेशन जो है उसने भी के, इसको ना कई बार पूरे वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉस्टिक्यूटेड माइनॉरिटी डिक्लेयर कर रखा है रोहिंग्या पॉपुलेशन को 2017 से ही देखो ये म्यांमार से भाग गई थी 2017 में इन लोगों पे बहुत सारे अत्याचार की गए बहुत सारे और बुद्धिज्म जो को फॉलो करने वाले जो लोग थे उन्होंने इनको भगा दिया यहाँ से और ये लोग म्यांमार से आके बांग्लादेश या इंडिया के आसपास रहने लगे जो रोहिंग्या पीपल हैं देखो एथनिक ग्रुप है और ये मोस्टली मुस्लिम पीपल है इनको म्यांमार ने सिटीजनशिप ग्रांट नहीं किया नागरिकता नहीं दिए ये स्टेटलेस यानी कि इनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है और इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप से ही ये बिलोंग करते हैं और म्यांमार के जो रखीने स्टेट है जो हमने देखा मैप में वहाँ पर इनके लोग काफ़ी सारे रहते हैं इनकी जो पॉपुलेशन है लगभग वन मिलियन पॉपुलेशन है यानी कि एक मिलियन में दस लाख होते हैं दस लाख रोहिंग्या पीपल म्यांमार में रहते हैं और 2016-17 में जब क्राइसिस संकट हुआ था यानी कि बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग और ये रोहिंगा पीपल के बीच में रियोट्स हो गए थे दंगे आपस में लोगों के झगड़े हो गए थे मारने लगे थे एक दूसरे लोगों को और इनको मार के भगा दिया था वहाँ से तो लगभग छः लाख पच्चीस हज़ार जो रिफ्यूज रिफ्यूजी रखीने स्टेट से आ गए थे बांग्लादेश में लगभग सवा लाख पीपल बांग्लादेश में आ गए थे 2017 से वहीं पर रह रहे हैं लेकिन बांग्लादेश ने भी भाई साहब इनको भगाने का सोचा लेकिन बाद में देखो बांग्लादेश ने क्या है जो बांग्लादेश का रीजन है बांग्लादेश का एक आइलैंड है यहां पे इंडियन ओशन में ये बांग्लादेश है और यहाँ पे एक भाषणचार आइलैंड है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है तो आइलैंड दिखाई नहीं दे रहा ये पॉइंट दिखाई दे रहा होगा जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये रेड से देखो यहाँ पे यहाँ पे एक भाषणचार नाम से आइलैंड है वहां पर इनके लिए जगह दी भाषणचार लेकिन उसका विद्रोह कर रहे थे विद्रोह कर रहे थे ये मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट भाषणचार बी एच ए एस एच ए एन भाषणचार आइलैंड क्यों क्योंकि देखो भाषणचार आइलैंड 20 साल पहले ही बनाए यहाँ पे मिट्टी जमा जमा होगी और ऐसा माना जा रहा है अगर ज़्यादा सी फ्लड आ गई या अर्थक आ गया तो पूरा आइलैंड क्या है ये डूब जाएगा और जिस आइलैंड पर भाषणचार पर इनको लोगों को रहने के लिए जगह दिए अब जब ये डूब जाएगा मान लो फ्लड आने से तो सारे लोग वैसे ही मर जाएंगे तो इसलिए इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग तो ये जो यूएन सिक्योरिटी जनरल है सेक्रेटरी जनरल है यूएन का सेक्रेटरी जनरल है जो ऑन्तोनियो गुतेरस उसने भी देखो इनको वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिव पीपल पूरे वर्ल्ड में डिक्लेयर किया हुआ है मतलब सबसे ज्यादा अत्याचार किसी के साथ भेदभाव होता है ऐसे ये उनमें से एक ये कम्युनिटी है रोहिंग्या पीपल की तो इनके लिए देखो रोहिंग्या पीपल के लिए और क्या क्या प्रोटेक्शन है और इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है रिफ्यूजी के लिए जो शरणार्थी मान लो एक, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में आ जाते हैं देखो वार क्राइम क्रिमिनल होते हैं एक तो वार क्राइम क्रिमिनल वो कैसे होते हैं जब एक दूसरे कंट्री का युद्ध चल रहा है तो जब लोग आए भाग के तो उन्हें रिफ्यूजी नहीं समझा जाता वो होते हैं वार क्राइम के वायर क्रिमिनल होते हैं वो और रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी जब मान लो एक देश में दूसरी कम्युनिटी को से लड़ाई होगी, मान लो एक कम्युनिटी की बीस होगी, तो इनको भगा दिया दूसरे देश से आपस में सिविल वार हो गया मतलब युद्ध गृहविद्ध हो गया और इनको भगा दिया वहां से और ये मरने के डर से इनकी डेथ हो सकती थी अगर वहाँ रुकते थे तो इनको सबको मार सकते थे इस डर से दूसरे देश में आ जाए उनको बोलते हैं शरणार्थी या रिफ्यूजी इनके लिए देखो कन्वेंसन है एक नाइनटीन की रिफ्यूजी कन्वेंसन और इसी की एक नई प्रोटोकॉल हुई 1967 में उसको बोलते हैं 1967 प्रोटोकॉल ये रिफ्यूजी के राइट को अधिकारों को बचाती है राइट right को अधिकारों को बचाती है और लीगल ऑब्लिकेशन देती है मान लो जिस भी कंट्री में ये जाएंगे उनको वो कंट्री प्रोटेक्ट प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्ट प्रोवाइड करेगी और इसका एक कोर प्रिंसिपल और है नॉन रिफ्यूलमेंट प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि, कि किसी भी ऐसे रिफ्यूजी को किसी भी शरणार्थी को ऐसे आदमी को उसकी कंट्री में वापस नहीं भेजा जाएगा अगर उसकी लाइफ को वहाँ थ्रेट है खतरा है कि अगर मान लो जैसे म्यांमार से रोहिंग्या पीपल आए बांग्लादेश में बांग्लादेश नॉन रिफ्यूलमेंट पॉपुलर मतलब प्रिंसिपल के हिसाब से रोहिंग्या पीपल को म्यांमार में नहीं भेजेगा क्योंकि इनकी जान को खतरा है अगर मैं म्यांमार में, में गए तो बुद्धिस्ट जो पीपल है इनको मार देंगे तो बांग्लादेश इसको नहीं भेजेगा लेकिन प्रॉब्लम है फिर भी क्या प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह क्योंकि बांग्लादेश तो भाई साहब इस जो कन्वेंसन है इसका सिग्नेटरी नहीं है मतलब जो ये नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल है इस कन्वेंशन का ना तो इस कन्वेंसन का 1951 का और ना ही इस प्रोटोकॉल का 1967 का बांग्लादेश इसका साइन sign, सिग्नेटरी नहीं है साइन ही नहीं किया इस कन्वेंशन को तो अब फिर क्या बचता है अब फिर बसता है ह्यूमिटेरियन ग्राउंड मतलब मानवता के बेस पर सहायता करना तो ये बांग्लादेश मानवता के बेस पर ही सहायता करता है देखो ना तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है और ना ही बांग्लादेश दोनों जो प्रोटोकॉल है ये कन्वेंशन है बस मानवता के बेस पे ह्यूमैनिटेरियन के बेस पे सहायता करते हैं बांग्लादेश और इंडिया एक और है देखो इंटरनेशनल ये कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये आई सी सी पी में देखो लागू हुई थी एक तरह से कुछ डॉक्यूमेंट है जिनमें इंटरनेशनली सबके अधिकारों को बचाने की बात की जाती है जिसका आर्टिकल टू बोलता है कि देखो कोई भी मान लो रिफ्यूजी है कोई भी आदमी रिफ्यूजी दूसरे देश में चला गया वो सेम फंडामेंटल राइट को एंजॉय करेगा जो वहाँ के नागरिक करते हैं फ्रीडम जो नेशनल की है वो फ्रीडम उसको मिलेगी आज़ादी और राइट टू इक्वलिटी बिफोर इक्वल द लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ और नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं होगा आर्टिकल टू के अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल जो कॉवेनेंट है ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट ये बोलता है तो ये इसमें बस इतना याद रखना यही था इसके बारे में